स्टूडेंट्स नमस्कार, आपके अपने चैनल डीपी मैथ्स में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो देखो बेटा, सीरीज जो चल रही है वो क्लास टेंथ की चल रही है, जिसमें हम लोगों ने कई चैप्टर्स का वीडियोस क्या है ऑलरेडी अपलोड कर किया हुआ देखा है। जैसे मान लो आपके सामने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, आपके सामने ट्रायंगल है, आपके सामने सर्किल है, आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, तो और इसी तरीके से ए रिलेटेड टू कर्व है। तो कम्प्लीटली क्या है कि हमने क्लास टेंथ का लगभग सारे चैप्टर्स का वीडियो अपलोड कर दिया है और सारे की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दी गई है। यदि आप उनको देखना चाहते हैं कम्प्लीट वीडियो, तो आप उसको वहाँ लिंक क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो एक नए चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। हालांकि इससे रिलेटेड जो चैप्टर है क्लास नाइन्थ में, आपने कई प्रकार के सॉलिड अर्थात ठोस बॉडीज़ के बारे में आपने वहां पर देख लिया है। जैसे मान लो आपको घनाभ के बारे में बेसिक जानकारी हो, जिसे आप क्यूबाइड बोलते हो, घन के बारे में, बेलन के बारे में, शंकु के बारे में, गोले के बारे में, अर्धगोले के बारे में, उनके आयतन, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वहाँ पर आप लोगों ने सीख लिया है। हालांकि इसकी सबसे पहले हम फार्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसका जो कंसेप्ट है ना, वो जान लो इसका एक फार्मूला ही है। ये फार्मूला आपको मेमोरी में अगर है और आप इसको लगाना सीख गए, तो ऑलरेडी क्या है कि आप हर प्रकार के क्वेश्चन इस चैप्टर में कम्प्लीटली कर सकते हो। चलो हम लोग देखते हैं किस तरीके से इसको हैंडल करेंगे। जैसे क्यूबाइड है, क्यूबाइड का शेप बेटा इस तरीके से होता है। जैसे मान लो कि आपके सामने एक बुक है, एक बुक जो है आपके सामने जस्ट लाइक एज अ क्यूबाइड है। इसमें क्या है कि छः तल हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और छः, छः तल हैं और आठ कोण हैं, चार इस साइड, मतलब आठ कोण हैं इसमें। तो कुल मिलाकर के आप देख रहे हो कि इसकी क्या है कि लंबाई है, चौड़ाई है और एक क्या है मोटाई है। तो इसमें तीन बीमाएँ होती हैं, एक तो लंबाई हो गई, एक चौड़ाई हो गई, एक इसकी ऊँचाई हो गई। इससे संबंधित हम लोग क्या करते हैं, इसमें आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो इसका आयतन जो होता है बेटा, होता है L इंटू बी इंटू एच, अर्थात लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। और इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये होता है बेटा, इसकी जो चार दीवारें हैं 1, 2, 3 और 4, इन चारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना, इसी को बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या हम बोल सकते हैं चार दीवारों का क्षेत्रफल। और जब इनको और इनको भी जोड़ देते हैं तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है। तो इसका मतलब जब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा तो हम लिखेंगे 2L + B × H, और जब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा तो उसमें हम सब का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो आपके सामने फाइनल आएगा 2LB + BH + HL, ये आएगा चित्र आपके सामने है ही है। कभी आप इसके सामने विकर्ण पूछ ले, इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो, तो इसके जो विकर्ण की लंबाई होती है बेटा, वो अंडर द ब्रैकेट होती है L² + B² + H² यहाँ L जो है लेंथ को डिनोट करता है, B ब्रेथ को डिनोट करता है, H हाइट को डिनोट करता है। इसी प्रकार घन, घन में कंडीशंस क्या होती है, घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है। घन में तीनों चीज़ें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जैसे आप लूडो वगैरह खेलते हो तो जो गिट्टी फेंकते हो वो घन के आकार की होती है। तो इसका आयतन होता है बटा भुजा का क्यूब, मतलब ए का क्यूब। ए मतलब क्या है, यहाँ पर भुजा है। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 × भुजा का स्क्वायर, 4 × साइड का स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठीय होता है 6 × साइड का स्क्वायर। और इसके अगर मान लो विकर्ण निकालने की कोशिश करो कि भाई इसका डायगोनल कितना है, तो इसका डायगोनल अगर हम निकालें तो √3a आता है, ठीक है। इसी प्रकार हम सिलेंडर की बात करते हैं। सिलेंडर में बेटा, सिलेंडर इस तरीके से होता है, आपने सिलेंडर देखा भी होगा। जैसे मान लो एक ग्लास है, ये आप देख रहे होंगे एक ग्लास है, एक ग्लास जस्ट लाइक जैसे सिलेंड्रिकल आकार की है, और सिलेंडर आकार का आपने देखो एक ग्लास है। तो अगर इस ग्लास का मैंने रेडियस जो है, देखो ये रेडियस है, इस ग्लास का क्या है, रेडियस है, हमने रेडियस ले लिया आर है, और जो ए वाली हाइट है इसी को हम लोग क्या मान लिए बेटा, एच मान लिए, ठीक है। तो एच हो गया और ए रेडियस आर हो गया, तब इसमें इसका आयतन निकालेंगे। आयतन का मतलब है इसमें हम कितना पानी भर रहे हैं, वो बताओ आप कितना पानी, या इस पानी की धारिता बताओ, तो उसको बोलते हैं आयतन। तो आयतन निकालने के लिए बेटा हम लोग लिखते हैं, इसका जब आयतन निकालेंगे बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन हम लोग कैसे निकालते हैं, πr² h, मतलब π × त्रिज्या का स्क्वायर × हाइट। इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना, इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr h। जब
जब आप इसका क्षेत्रफल निकाल लो, मतलब इसके चारों ओर का क्षेत्रफल निकालोगे तो इसको बोलते हैं वर्क कैपेसिटी क्षेत्रफल, मतलब चारों ओर का क्षेत्रफल। और जब इसका नीचे वाला क्षेत्रफल और ये ऊपर वाला क्षेत्रफल दोनों जोड़ देते हो तो पूरा क्षेत्रफल जो हो जाता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है, जिसको हम लिखते हैं 2πr r + hi। ठीक है, तो इस तरीके से आपका बेलन हो गया। ऐसे ही बेटा सिलेंडर संघ के बारे में आप जानते हो, संघ क्या होता है, जैसे आप जब दुकान पे जाते हो तो आपको क्या होता है, एक शंकुआकार क्या होता है, उसमें लाई वगैरह करके देते हैं ना, तो शंकुआकार होता है वो, तो ऐसे ही होता है, इस तरह का शेप का होता है, जिसमें रेडियस ए है, ए इसकी स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट का मतलब होता है बेटा तिर्यक ऊंचाई है, ए इसकी क्या है, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई मतलब जो तिरछी ऊंचाई हो तिर्यक ऊंचाई होती है, हालांकि इसकी वैल्यू जो होती है एल बराबर होता है त्रिज्या का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ये सब चीज़ें आपने पढ़ ली हैं। और उसके बाद में जो इसका आयतन होगा वो हमारा आयतन होता है 1/3πr²h, मतलब पूरे बेलन के आयतन का एक तिहाई होता है। और इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेटा वो क्या होता है, पाई आर एल, एल का मान मैंने निकालना बताया है, जहाँ एल जो होता है उसकी वैल्यू होती है अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है, और ए आपके सामने क्या है, ए आपके सामने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर आर प्लस एल होता है। तो इस तरीके से आपने देखा बेटा संघ का हमने आयतन कैसे निकाला है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और अगर एल का मान, एल मतलब तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है तो ऐसे ज्ञात करते हैं। उसके बाद खोखला बेलन होता है, खोखला बेलन का मतलब होता है जो अंदर से एकदम हालो होता है, अंदर से एकदम खोखला होता है ना, अंदर से एकदम खोखला होता है, इसको बेलन तो ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन ये देखो अंदर से, इसको अंदर खोखला बेलन बोल सकते हैं, इसको खोखला बेलन भी बोल सकते हैं, इस तरीके से देखो ये अंदर से खोखला है तो खोखला बेलन भी है। तो इसमें दो परत है, एक तो ये मोटाई जो है इसकी परत है, एक तो बाहर की तरफ है एक अंदर की तरफ है। हम मान लेते हैं अंदर की तरफ, यहाँ से इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है और इसकी यहाँ तक बाहर तक त्रिज्या कैपिटल आर है। तब अगर कोई व्यक्ति ये पूछे कि बताओ इस गिलास को बनाने में कितना मटेरियल लगा हुआ है, तो मटेरियल मतलब क्या निकालेंगे, हम इसका टोटल आयतन निकालेंगे बाहर वाला। तो इसके लिए कैसे करते हैं बेटा, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, टोटल जो बाहर वाला आयतन होता है हम लोग निकालेंगे, बाहर का आयतन हो जाएगा कितना, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, बाहर का त्रिज्या हमने आर लिखा है तो आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और यह ऊंचाई हो जाएगा, और अंदर की त्रिज्या स्मॉल आर है तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, त्रिज्या कितनी है स्मॉल आर तो आयतन कितना हो जाएगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। तो बाहर वाले में से अंदर वाले को घटा देंगे तो मुझे मालूम हो जाएगा कि इसमें कितना मटेरियल लगा हुआ है, जब यहाँ से लेकर यहाँ यहाँ तक पूरा आयतन निकालेंगे उसके बाद अंदर वाले को घटा देंगे तो मुझे मालूम हो जाएगा यहाँ पर कितना मटेरियल इसके चारों ओर इसको बनाने में लगा हुआ है, तो इजली क्या है हमें वो मालूम हो जाएगा। तो हमने इसमें से इसको घटा दिया, बस इतना ही करना है आपको इसमें, मतलब पाई आर अंडर द ब्रेकेट आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एस। तो खोखले बेलन में लगे पदार्थ का आयतन निकालना हो तो बाहर की त्रिज्या का होल स्क्वायर माइनस अंदर की त्रिज्या का स्क्वायर इंटू एस इंटू पाई कर देते हैं। उसी प्रकार से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने की बात आती है, तो इसका मतलब है हम बाहर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, अंदर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, तो मतलब आपको निकालते हैं ऐसे देखो 2πr h + अंदर वाला 2πr h + इसमें क्या होता है दोनों ऊपर वाला जो क्षेत्रफल होता है वो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और फिर अंदर वाले को घटा देते हैं माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इस तरीके से एक नीचे भी है तो दो से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरीके से बेटा जो आपके सामने आता है वो क्या होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है। अब उसके बाद में अब अपने अपने पास में सॉरी ये तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया बेटा, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आ जाएगा सिर्फ 2πr h, सिर्फ 2πr h + 2πr h, ये जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, ये जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, किसका, खोखले बेलन का। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा हमने क्या है कि आपको कुछ ठोस प्रकार की जो बॉडीज हैं उनका हमने क्या बताया आपको जनरली, उसके आयतन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका फिगर कैसे बनता है उसके बारे में बताया। इसके कुछ और भी ठोस और भी हैं जिसका हम लोग आयतन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल डिस्कस कर लेते हैं। गोला जिसका आयतन बेटा होता है 4π r³, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों समान होता है, 4πr² ही आएगा। ठीक है, अर्धगोले में क्या होता है आयतन हम लोग इसका आधा ले लेते हैं ऊपर वाले का,
तो इतना हो जाएगा। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² होता है, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जब निकालते हैं अर्धगोले का, जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, उसके बाद एक आधार का क्षेत्रफल और निकलता है, तो इस कारण से क्या हो जाता है 2πr² प्लस ऊपर आधार वाला क्षेत्रफल मिलकर हो जाता है 3πr². तो इस तरीके से आपको इस तरह का क्वेश्चंस करने के लिए आपको बेटा सबसे पहला नंबर क्या देखना पड़ेगा, इन फार्मूला के को अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। इसको लगाना कैसे है वो सारी बातें हम लोग अब क्वेश्चन के माध्यम से सीखेंगे। स्टूडेंट्स, हम लोगों को अब सरफेस एरिया एंड बायरोम के ऊपर क्वेश्चन करना है। हमने अभी तक कंप्लीटली फार्मूला देख लिया है। देखो, इसमें हम दो ठोस जो आपस में जुड़े होंगे उनका वॉल्यूम, उनका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सारी बातों का यहाँ डिस्कशन होने वाला है, अर्थात दो ठोसों का संयोजन। उससे ज्यादा संयोजन आपको नहीं देगा, सिर्फ दो ही ठोसों का संयोजन दिया जाएगा। तो यहां पर कह रहा है दो घनों को मिलाया गया है, संयोजन किसका है, दो घनों का। तो हम दो घन बना लेते हैं। देखो बेटा, हमने दो घन यहां पर बना लिया है, ये दो घन हम यहां पहले बना लेते हैं, फिर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं। जैसे एक घन मैंने इस तरीके से बना लिया, एक घन बन गया, और ऐसा ही एक दूसरा घन हमने आपके सामने यहाँ पर बना लिया है, इस तरीके से एक दूसरा घन हमने आपके सामने बना दिया, और फिर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये देखो, इस तरीके से दूसरा घन बन गया, ठीक है। दो घन हमने यहाँ पर बना लिए, दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब। आपको मालूम है घन की सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगर ए ए है, ए ए भी होगा और ए तुम्हारा ए भी होगा। तो दिया क्या गया है सॉल्यूशन में, घन का आयतन, घन का आयतन मतलब होता है भुजा का क्यूब, मतलब ए क्यूब इज इक्वल टू आपको दिया है 64। तो आपके सामने बेटा ए कितना हो जाएगा, 64 का घनमूल कितना होता है, 4 सेंटीमीटर होता है। इसका मतलब जो भुजा आ गई कितनी आ गई बेटा, 4 सेंटीमीटर आ गई। मीनिंग ये हुआ कि ए जो है 4 सेंटीमीटर आ गया यहाँ से यहाँ तक, ए भी 4 सेंटीमीटर होगा क्योंकि दोनों घनों की भुजाएं समान है। अब कह रहा है कि इन दोनों को आपस में मिला दिया गया, जैसे इनको मिला दिया गया, इनके संलग्न भुजाओं को आपस में मिला दिया गया। अब मिलाने के बाद देखो बेटा, एक ऐसा चित्र बन रहा है, एक घनाभ के जैसा बन रहा है, घनाभ बन गया। तो घनाभ बनने के बाद में आप देख रहे हो कि इसकी लंबाई जो है वो हो गई 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई में कोई बदलाव नहीं आया, चौड़ाई तो वही है, चौड़ाई जो इतनी है वो तो वही है, ऊंचाई भी वही है, सिर्फ लंबाई क्या है हमारी, बढ़ गई। तो कह रहा है कि जो घनाभ है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करके बताओ। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो घनाभ में लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई तो आपको बढ़ गई, 4×4 8 सेंटीमीटर हो गई, लंबाई तो हो गई 8 सेंटीमीटर, और चौड़ाई आपकी वही 4 ही सेंटीमीटर है, और ऊंचाई कितनी है बेटा, वही 4 ही सेंटीमीटर है, ठीक है। अब कह रहा है इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हो गया कि आपको टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर ज्ञात करके बताना है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बेटा, 2 अंडर द ब्रेकेट LB प्लस BH प्लस HA, ठीक है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो क्या हो जाएगा, 2 LB प्लस BH प्लस SL, L कितना है अपने पास में 8 है, तो 8×4 हो गया प्लस B, 4×4 हो गया प्लस H, 4×L, L कितना है 8, सिंप्लीफाई करो बेटा, तो हो गया बेटा 32, A हो गया 16, A हो गया 32, ठीक है। तो आपके सामने आ गया, तो 6×2 8×2 10 हो गया, ठीक है, 3×1 4 4×3 7 7×1 8 आ गया, ठीक है, 6×2 8×2 10 3×1 4 3 7 1 8 हो गया, मतलब आपके सामने आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से जो घनाभ होगा बेटा उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल कितना हो जाएगा आपके सामने, 160 सेंटीमीटर है। कि दो डिफरेंट प्रकार के सॉलिड के संयोजन से बना हुआ ठोस जिनका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालने की काम करेंगे, यहाँ वही चीज़ है कि कोई खिलौना इस तरीके से है कि जो कि शंकु के आकार का है, और वो शंकु किस पे है, अर्धगोले पर है, मतलब हेमिस्फीयर के ऊपर लगा हुआ है। तो जो खिलौना है उसका संपूर्ण ऊंचाई दी गई है इतना सेंटीमीटर, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। देखो हम पहले तो खिलौने को बनाते हैं कैसे बनेगा, तो आपके सामने देखो एक तो शंकु है, इस तरीके से आपके सामने एक शंकु है,
ये आपके सामने शंकु दिया गया है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि शंकु के आकार का है और उसी त्रिज्या वाले अर्धगोला, मतलब जितना त्रिज्या इसका है वही त्रिज्या का अर्धगोला है, मतलब व्यास दोनों का समान है, व्यास दोनों का समान है। तो अर्धगोले की त्रिज्या भी मान लेते हैं आर है, और इसकी भी त्रिज्या अपने जो शंकु है उसकी भी त्रिज्या कितनी है, आर है, ठीक है। ये दोनों चीजों की त्रिज्या हमेशा समान है। तो त्रिज्या ऑलरेडी आपको दी गई है 3.5 सेंटीमीटर, तो हम माने क्यों, हम डायरेक्ट लिख देते हैं 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है। पूरा खिलौना जो है कितना है, 15.5 सेंटीमीटर लंबा ऊंचा है, 15.5 सेंटीमीटर ऊंचा है ये पूरा खिलौना, इतना सेंटीमीटर ऊंचाई का है, ठीक है। अगर 3.5 है तो ऑब्वियस है कि ए भी त्रिज्या ही होगी, ए भी तुम्हारा 3.5 सेंटीमीटर ही होगा। अगर 3.5 सेंटीमीटर है तो ऑब्वियस ए कितना बचेगा, 12 सेंटीमीटर बचेगा, ठीक है। इसमें से घटा देंगे तो ये तुम्हारा जो होगा 12 सेंटीमीटर होगा। 12 सेंटीमीटर का मतलब हो गया शंकु की ऊंचाई कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई। तो शंकु की ऊंचाई हमें 12 सेंटीमीटर क्लियर हो गई, त्रिज्या दोनों की 3.5 सेंटीमीटर है। अब मुझे कह रहा है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का कंसेप्ट समझो, इसका मतलब ये होता है अपने दिमाग में रखो कि मुझे अगर इस पूरे के पूरे जो खिलौना है इसको कपड़े से एकदम टाइट तरीके से ढकना हो तो कपड़ा कहाँ कहाँ लगाएंगे। कपड़ा यहाँ लगाओगे, यहाँ लगाओगे, यहाँ लगाओगे, मतलब आप इसके वक्र पे कपड़ा लगाओगे और इसके वक्र पे कपड़ा लगाओगे, मतलब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें, पूरे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप कंसेप्ट क्लियर करो, जब भी कभी किसी भी बॉडी का या किसी भी खिलौने का या किसी दो संयोजन वाली बॉडी का आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, तो अपने दिमाग में रखो कि अगर मैं इस पूरी बॉडी को एकदम टाइट कपड़े से ढकना चाहूँ तो कहाँ कहाँ कपड़ा लगेगा, उसी का क्षेत्रफल निकाल लो, अपने आप में पूरा का पूरा सॉलिड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पर खिलौने का जो खिलौना है अपने पास में, जो खिलौना है, खिलौने खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू हो जाएगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जानते हो 2πr² होता है, r कितना है 3.5 का होल स्क्वायर, प्लस इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r इंटू एल होता है। r के स्थान पे आपके पास 3.5 है, ठीक है। l की वैल्यू नहीं मालूम है, l की वैल्यू मालूम करने के लिए हम लोग कैसे करेंगे, एल इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर प्लस एच का मतलब 3.5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 144 प्लस 12 25, मतलब आपके सामने इतना आ जाएगा, ठीक है। आप इनको करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा 4 2 6 4 1 5 इतना 0.25, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके सामने 12.5 सेंटीमीटर, है ना, 13 26 13 13 2 15, ठीक है, 12.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब L की वैल्यू कितनी आ गई, 12.5 सेंटीमीटर। अब इनको हम कॉमन लेके सिंपलीफाई कर लेते हैं, बेटा कॉमन क्या है, पाई इंटू 3.5 कॉमन है, कॉमन ले लो तो यहाँ बचा 2 × 3.5 बच गया, प्लस पाई इंटू 3.5 लिखा तो 2.5 बच गया, सॉल्व कर लो यहाँ 22/7 इंटू 3.5 इंटू इनको मल्टीप्लाई करो 2 × 5 = 10 2 × 3 = 6 7.0 प्लस 12.5 आ गया, तो 7 × 5 = 35 0.5 आ गया, इनमें आ गया 11.0 इंटू 12 × 7 = 19 19.5। अब इसको मल्टीप्लाई करना बेटा, 11 × 5 = 55 11 × 9 = 99 99 × 5 = 104 11 × 9 = 10 21, है ना। एक अंक बाद पॉइंट लगा देते हैं, इसका मतलब 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके सामने क्या हो गया, पूरा का पूरा जो खिलौना है उसको इतना टाइटली ढकने के लिए कपड़े की आवश्यकता होगी। दोस्तों स्टूडेंट्स आपके सामने क्वेश्चन थर्ड दिया गया है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। तो देखो ध्यान से, जैसे मान लो हमने एक घनाकार कोई बर्तन लिया, ये मान लो घनाकार हमने लिया है, तो घनाकार जो बर्तन है उसकी पहले विशेषता समझो, इसको हमने ऐसे बना दिया, एक घनाकार है। अब इसके ऊपर हमने क्या किया, एक अर्धगोला रख दिया, इसके ऊपर हमने क्या किया, एक अर्धगोला रख दिया, और इस घनाकार की जो भुजा है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। इसकी जो भुजा है कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। तो
हम लोग इस पे क्या कह सकते हैं, कितने अधिकतम व्यास का अर्धगोला रख सकते हैं? तो निश्चित है कि इसके ऊपर हम अधिकतम व्यास वाला अर्धगोला कितने का रख सकते हैं, जितना इसकी भुजा है उतना अधिकतम व्यास का हम रख सकते हैं। जैसे मान लो कि आपके सामने हमने एक घन लिया और एक छोटी सी कोई कटोरी लेते हैं, कटोरी जो होगी फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो ए ले लिया, ठीक है, ए है घन, देखो ये घन है, एक घन है, इस घन के ऊपर हमने एक कटोरी रख दिया, तो इस कटोरी का मुंह अधिकतम कितना हो सकता है, इस कटोरी का अधिकतम मुंह कितना हो सकता है, जितना इसकी भुजा है, हम इसकी अधिकतम भुजा के आकार का हम इसका मुंह ले सकते हैं, है ना, लंबा इतना चौड़ा इतना मुंह ले सकते हैं अधिकतम, तो इसका अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, जितना इसकी भुजा होगी, मतलब मैं चौड़ी मुंह वाली क्या है कोई कटोरी ला के रख दूं तो उसका अधिकतम व्यास कितना होगा, जितना इसकी भुजा होगी, राइट। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले चीज का आंसर तो हो गया कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा, जितना इसकी भुजा होगी। जैसे मान लो ये अर्धगोला होगा इस तरीके से, आपके सामने इसके ऊपर एक कटोरी रखोगे, ये हमने रख दिया भुजा के ऊपर, तो अधिकतम जितना इसकी भुजा होगी उतना ही इसका व्यास होगा। तो आपके सामने मालूम हो गया कि अर्धगोले का जो व्यास होगा, एकदम क्लियर हो गया कि अर्धगोले का जो व्यास है वो व्यास हो गया हमारे पास में भुजा के बराबर, अर्थात 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस एकदम क्लियर हो जाएगा कि भाई 7/2 सेंटीमीटर होगा। अब कह रहा है इस प्रकार बने ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको सीधे सिंपल सी बात बताई है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कि इस ये जैसे ये ठोस दिया गया है, ये ठोस है, इस ठोस को ढकने के लिए, मान लो इसको ढकने के लिए मुझे कोई कपड़ा बनाना पड़े तो क्या करोगे, नीचे कपड़ा पूरा लगाओगे, फिर यहाँ लगाओगे, फिर यहाँ लगाओगे, फिर यहाँ लगाओगे, पूरा ऐसे लगाओगे। इसका मीनिंग ये हुआ कि हम इस पूरे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा दें। संपूर्ण पृष्ठीय का मतलब है कि पूरा कपड़े को ढक दो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। लेकिन हमने क्या है कि इसके ऊपर एक कटोरा रखा है, तो कपड़ा आपका इस कटोरे के वक्र पृष्ठ पे लग रहा है, इसका इतना भाग जो इतना जिसका ये आधार घेरा हुआ है, ये पार्ट इसका निकल रहा है इसमें से। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जब भी कभी हम घन के ऊपर कोई कटोरा रख करके कोई टाइट कपड़ा इसको पहनाएंगे तो क्या होगा, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा, फिर इसका क्या निकलेगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा, और ये जिसको घेरा हुआ है इतना पार्ट जो इसका घेरा हुआ है, मतलब ए वाला पार्ट जो होगा, इतना वाला पार्ट जो होगा इसको घेरा है, इसका तो कोई हम इसमें क्षेत्रफल ले नहीं रहे, तो इसका हम इसमें से क्षेत्रफल घटा देंगे। तो यही कंडीशन है इसकी, बस और कुछ नहीं है। तो मीनिंग ये हुआ कि आपके सामने जो हमारे पास में ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कैसे आएगा, उसको हम क्या करेंगे, बराबर क्या हो जाएगा, पहले इस पूरे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 × a² मतलब 6 × भुजा² और प्लस क्या हो जाएगा, जो ये आपके सामने है क्या है, अर्धगोला है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप जानते हो 2π r² होता है, क्या होता है, r² आर के स्थान पर हो गया 7/2 स्क्वायर, है ना, माइनस ये जितना इसको घेरा है नीचे, तो नीचे वाले क्षेत्रफल में तो कपड़ा लगा ही नहीं रहे हो, तो नीचे वाला क्षेत्रफल इसमें से घटा देंगे, मतलब π r² इसका घटा देंगे 7/2 स्क्वायर। तो कुल मिला कितना हो गया, 6 × भुजा, भुजा कितनी है 7 सेंटीमीटर, 7² 2π r² में से 1π r² घटाएंगे तो प्लस π r² हो जाएगा, मतलब 7/2 स्क्वायर हो गया। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 6 × 49 प्लस 22/7 × 7/2 × 7/2 हो जाएगा, 1 7 से 1 7 कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 11, ठीक है। तो आपके सामने बेटा आ जाएगा 6 × 9 = 54, 6 × 4 = 24, 24 × 5 = 29 आ गया, प्लस 11 × 7 = 77/2 तो काट दो, 2 × 3 = 6, 2 × 8 = 16, 38.5। तो इसका मतलब हो गया 294 प्लस 38.5, सॉल्व कर लो तो 0.5 आ गया, 8 × 4 = 12 आ गया, और 8 × 4 = 12, 9 × 3 = 12, 1 = 13 हो गया, 2 × 1 = 3, आपके सामने इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर का, जो अगर कपड़ा इसमें ऊपर लगाएं तो टाइटली इसको क्या है, कवर कर ले करने वाले हैं। आपके सामने 10 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस बेलन में से उसी ऊंचाई का और उसी त्रिज्या का एक हमने शंकु यहाँ से काट के निकाल दिया, तो जितना शेष बचा हुआ ठोस है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले तो इसका एक फिगर बना के देखते हैं कि कैसा ये होगा। तो सबसे पहले नंबर तो हमने एक बेलन बनाया, ये बेलन आपके सामने बन गया, ये बेलन आपके सामने बन गया। अब इस बेलन में से हमने क्या किया, एक शंकु जो है हमने मान लिया कि ये जो है
बेलन जो दिया गया है इसकी त्रिज्या जो है कितनी है, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई है। चलो 10 सेंटीमीटर तो ऊंचाई हो गई इनकी, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई हो गई, और रेडियस कितना हो गया इनका, 6 सेंटीमीटर इनका रेडियस हो गया। तो कह रहा है कि सेम ऊंचाई और सेम रेडियस का एक संघ को इसमें से काट के निकाल दीजिए। अब इसमें हमने एक संघ को क्या है, उसी ऊंचाई का उसी त्रिज्या का हमने काट के इसमें से निकाला, मतलब इसको हमने निकाल दिया। अब निकालने के बाद में एक नई बॉडी आपके सामने दिखाई पड़ेगी, ऐसे दिखाई पड़ेगी। जब इसको काट के निकालोगे तो आपके सामने इस तरीके से एक मतलब सॉलिड बचेगा। इसमें निकालने के बाद में एक सॉलिड जो है इस तरीके से बचेगा। देखो बता रहा हूँ कैसे बनेगा, एक तो ए बचा रहेगा, ठीक है, और ए वाला पार्ट बचा रहेगा और ए वाला पार्ट बचा रहेगा, इस तरीके से बचेगा, है ना। यही तो पार्ट बचेगा, जब इसको निकाल के फेंक दोगे तो इसका मतलब यही पार्ट बचेगा। तो इसमें क्या क्या है, इसमें एक तो है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो, किसका, बेलन का, उसके बाद में दूसरा आधार का क्षेत्रफल निकाल लो, और तीसरा कहाँ निकाल रहे हो, ये है संघ का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो। मतलब कुल मिला के मैंने आपको क्या बताया, कभी भी किसी भी ठोस का जो वक्रपृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का मीनिंग ये होता है कि आप संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का मीनिंग ये होता है कि इसको ढकने के लिए टाइटली कितना कपड़ा कहाँ से लगाएं ताकि ये पूर्णतया टाइटली ढक जाए। तो इसको टाइट ढकने के लिए क्या है, यहाँ लगाओगे कपड़ा, यहाँ लगाओगे, यहाँ लगाओगे, यहाँ लगाओगे, यहाँ लगाओगे और यहाँ लगाओगे। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि आपको क्या निकालना है, आधार का क्षेत्रफल और बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लोग लिखेंगे जो शेष बचे, ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, पहले इसका हम क्या निकाल लेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका, बेलन का। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πrh प्लस इसके आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि कपड़ा नीचे भी लगेगा, जब इसको काट के निकालोगे तो कपड़ा नीचे भी लगेगा, तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर प्लस यहाँ पर कपड़ा लगेगा। अब ये चीज़ निकालते हो, जब संघ में ये चीज़ निकालते हो तो ये चीज़ क्या होता है, ये वक्र पृष्ठी ही तो होता है, और इसमें ये चीज़ जोड़ देते हो संपूर्ण पृष्ठ हो जाता है। हमें तो निकालना नहीं है, हमें क्या निकालना है, इनको निकालना है। इस कारण से वक्र पृष्ठी क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठी क्षेत्रफल क्या हो गया, पाई आर एल, हमें एल चाहिए, एल निकालना है। एल निकालने के लिए हमारे पास में क्या हो जाएगा, एल निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 100 प्लस 36, तो ये हो गया आपके सामने 136, ठीक है, ये तो आपके सामने हो गया 136। एल का वैल्यू हो गया अंडर रूट 136 हो गया, ठीक है। अब यही चीज हमें यहां पर वैल्यू निकालना है। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जैसे 11 ग्राम में कितना होता है, 121 हो जाएगा, तो 12 के आसपास आएगा, 12 ग्राम में 144, इतना मतलब 11 पॉइंट कुछ आएगा ना इसमें। चलो इसको देख लेंगे बाद में, पहले इसमें देखो आप ध्यान से। तो आपके सामने कितना आ गया, पाई आर अंडर द ब्रेकेट हो गया बेटा 2h प्लस आर प्लस पाई आर, आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर कितना आ गया, l आ गया। तो पाई आर आपने कॉमन लिया तो पाई का वैल्यू हो गया 22/7, आर का वैल्यू कितना हो गया, 6 हो गया, और 2 इंटू h का वैल्यू कितना हो गया, 10 हो गया, प्लस r का वैल्यू 6 हो गया, प्लस l का वैल्यू हम निकालेंगे। तो निकाला, l की वैल्यू निकालने के बाद कितना आ गया, 11.66 सेंटीमीटर। तो L का वैल्यू यहाँ लिख देंगे 11.66 सेंटीमीटर। अब इनको सिंपलीफाई कर लो तो आपके सामने आ गया 22/7 इंटू 6, ये हो गया 20 प्लस 6 प्लस 11.66, इनको जोड़ेंगे तो देखो 26 प्लस 11.66 कितना आ गया, 37.66 आ जाएगा ना। तो आपके सामने आ गया बेटा 22/7 इंटू 6 इंटू 37.66। अब इसको आपको मल्टीप्लाई को और 7 से डिवाइड करना है, तो जब इसको आप डिवाइड करोगे तो आपके सामने आ जाएगा 710.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि कम्प्लीटली क्या है कि जब दो प्रकार की बॉडीज दी जाए तो उनका संयोजन करके किस तरीके से उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और कैसे आयतन निकालना है, धारिता निकालना है, जो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आयतन और धारिता निकालना किस तरीके से निकालना है। फिलहाल इस वीडियो में हमने आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला है किसी भी प्रकार के ठोस का। जब भी कभी मान लो कि आपको क्वेश्चन में ए ना दिया जाए, कहे कि आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का मीनिंग ये होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। कभी भी क्वेश्चन को समझने के लिए कि इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा, तो दिमाग में ये लगाओ कि जो ठोस है, जो सॉलिड है, उस ठोस को अगर मैं टाइटली कोई कपड़े से इसको ढकूं एकदम टाइट,
तो टाइट ढकने का मतलब हर जगह पूरे अंग में आना चाहिए कपड़ा। तो इस तरीके से जब पूरे अंग में कपड़ा आना चाहिए तो उसमें क्या और किस तरीके के मतलब कोण पे या भुजा पे वो काम कर रहा है उससे संबंधित हम क्या है वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यहाँ पर निकालेंगे। तो होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, दोस्तों को भी आप इसको सेंड करें और इसको सब्सक्राइब भी करें। तो धन्यवाद।